हेलो बच्चों, लेट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एथीन इक्यू कन्वेक्स ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज पावर ऑफ 5 डेप्टर व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इट एक्ट्स एज ए डाइवर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ लिक्विड इज ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 4/3, ऑप्शन 2 3/4, ऑप्शन 3 5/3 एंड ऑप्शन 4 8/3। तो इसमें क्या काम है हमको, पहले इसका जो फोकल लेंथ है पहले हम उसको एयर मीडियम में निकालेंगे फिर लिक्विड मीडियम में निकालेंगे, इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट क्या यूज होगा, वो क्या होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो फोकस होगा 1/f इक्वल टू जो आपका ग्लास लेंस होगा, मैं इसको अभी के लिए म्यू जी लिख देता हूँ, और जो मीडियम होएगा जिस मीडियम में आप रखे हो सिस्टम को, -1/r1 -1/r2। ये r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका इक्विकन्वेक्स लेंस हो गया, तो ये अगर ये वाला रेडियस, ये जो हमारा ये 1 नंबर सरफेस है, ये 2 नंबर सरफेस है, तो 1 नंबर सरफेस का जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा r1 होगा, आएगा 2 का r2 आएगा, ऐसे है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम एआर मीडियम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता है कि जो म्यू मतलब ग्लास लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दैट इक्वल टू 3/2 है, और मीडियम कौन सा है, एआर है आपका, तो ये -1 हो गया, ये 1/r1 -1/2 हो गया, और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी आगे जाते हैं, अगर हम आगे जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिक्विड, जैसे हमने लिक्विड में इसको डुबाया या इमर्ज किया, तो क्या लिख सकते हैं, वही ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था वो लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 3/2। और जैसे कि हम इसका मीडियम जो है, ये क्या है, लिक्विड मीडियम है, तो इसको ले लेते हैं म्यू एल, ठीक है, -1/1/r1 -1/2, और इसको भी ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग, इक्वेशन नंबर 1 विथ इक्वेशन नंबर 2, तो हमको क्या मिलेगा, हमको यही मिलेगा कि एफ एल बाय एफ ए इक्वल टू जो 3/2 -1 था पहले, और अभी जो है 3/2 μ/μL जो है, हम क्या लिखेंगे यार इसको, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 μL -1, और r1 -1/r2 दोनों में कॉमन है तो वो कट जाएंगे। दोबारा देखो, अब हमको क्या दे रखा है कि जो हमको फोकस दे रखा है, मतलब जो पावर, एक पावर दे रखा है 5 डेप्टर, तो हमको क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, जो एफ ए इसको निकालेंगे तो 100/P करेंगे, ठीक है, तो अब ये कितना निकलेगा, तो 100/5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक, और अभी क्या बोल रहा है, डाइवर्जेंट लेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, कॉनकेव लेंस है, और आपको पता है जो कॉनकेव लेंस होता है इसका फोकस क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, तो इसको लिख दो कि ये हमारा क्या एफ ए है, तो एफ एल क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो वो हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। अभी आप क्लियरली देख सकते हो हमको, हमने क्या लिखा है ये, इसमें जो डिवाइड किए हैं एफ एल बाय एफ ए, तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास एफ एल आ गया, एफ ए भी मिल गया, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को हम यहाँ पे चुपचाप से पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, -100/20, और ये क्या हो गया, 3/2 -1 करोगे तो आपको मिलेगा 1/2, और अभी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 3/2, ठीक, म्यू एल -1, ठीक है, ये अभी हमारा पास है, इसको अगर हम आगे जाके सॉल्व करेंगे तो किस क्या करेंगे, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे 3/2
म्यू एल माइनस वन ठीक इक्वल टू -1/10। मैंने बस उसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो क्या आएगा मेरे पास, 3/2 म्यू एल इक्वल टू 9/10। मैंने इसको -1 को प्लस, -1 जो यहाँ पे था अगर राइट साइड में ले आया तो +1 हो गया तो 9/10 आ गया। और अभी अगर मैं म्यू एल का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको इसमें ले जाऊं तो देखो 18 म्यू एल हो गया और ये हो गए 30। और अगर मैं म्यू एल को कैलकुलेट करूंगा 30/18 तो ये कितना होगा, ये होगा अगर हम 6 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5/3। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज 5/3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।